हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एज ऑफ खोंसु। तो ये एज ऑफ खोंसु का आखिरी एपिसोड है, लेकिन अवेंजर्स का नहीं। अब तक कहानी में आपने देखा होगा इजिप्शियन मून गॉड खोंसु को एक बहुत ही डरावने फ्यूचर का विजन आता है जहां मेफिस्टो राज कर रहा है। इसीलिए मून नाइट उस फ्यूचर को होने से रोकने की कोशिश करता है। उसने अपने पुराने साथियों अवेंजर्स के ऊपर हमला किया, उनकी पावर्स चुराई, उनका यूज करके मेफिस्टो को मारा और इस वर्ल्ड को बदल दिया जहाँ पे खोंसु इसका राजा है। वहीं अवेंजर्स एक स्टार ब्रांड बच्चे को बचाते हुए इन सब का विरोध कर रहे हैं। और जब ब्लैक पैंथर मून नाइट के ऊपर हावी होने लगता है तब मून नाइट एक उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज से प्रार्थना करता है और अब वो कॉस्मिक फोर्स द फिनिक्स का नया होस्ट बन चुका है। कैप्टन मार्वल स्टार ब्रांड को रोकने की कोशिश कर रही है। सच ही कहते हैं कि बच्चे इतने शैतान क्यों होते हैं, वापस आ जाओ बेबी ब्रांड। लेकिन स्टार ब्रांड को रोक पाना कैप्टन मार्वल के हाथ में भी नहीं है। हालांकि स्टार ब्रांड जोरों से चमक रही है। ये देखकर खोंसु ने कहा, डैम स्टार ब्रांड, मूनलाइट तुमसे भी ज्यादा चमकनी चाहिए। तभी आयरमैन खोंसु के ऊपर हमला करता है। उसने कहा, ये बच्चा एक सूरज की तरह रोशनी दे रहा है, इसीलिए स्टारलाइट मून गॉड को कमजोर कर रही है, यही हमारा मौका है। लेकिन खोंसु आयरमैन का नाक फोड़ता है और उसने कहा, नहीं मेरे पास अब भी इतनी पावर है कि तुम सारे अवेंजर्स मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मिलियन ईयर का सुपर मून आ चुका है, ये जो खोंसु हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तभी फिस्ट ऑफ फिनिक्स वहां आता है। वो खोंसु से कहता है, खोंसु तुम डेविल का सामना करना चाहते हो, देन गो टू हेल। वो खोंसु को एक जोरदार पंच करता है जिससे खोंसु दूर जाकर गिरा। आयरमैन कहता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, अब इसके पास फिनिक्स फोर्स भी आ चुकी है। मून नाइट ने कहा, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया अवेंजर्स, अब नहीं, इस स्टार चाइल्ड को दूर ले जाओ, मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे नुकसान जरूर पहुंचाना चाहती है। तभी आयरमैन अपने सारे हथियार बाहर निकाल लेते हैं। उसने कहा, ठीक है फिनिक्स को छोड़ दो और चले जाओ, वरना इन मिलियन डॉलर्स हथियारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मून नाइट उन तीनों के ऊपर हमला करता है और चिल्लाया, मैंने कहा जाओ। वो अपने मन में कहता है, हमारे गॉड्स वो करते हैं जैसा हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे खोंसु नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पुराना गॉड नहीं चाहिए, मैं मून नाइट हूँ द फिस्ट ऑफ फिनिक्स और अब ये मेरा युग है। लेकिन इस हैमर से थंडर निकल रहा है और वो सारे मून जो अब तक थंडर गॉड थोर को कैद कर रहे थे उनके अंदर भी दरार पड़ने लगती है। न्यू थेब शहर, खोंसु सीधा आकर अपने मेन पिरामिड में गिरा। प्रीस्ट ने उसे बताया कि अवेंजर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। खोंसु कहता है, वो मून नाइट उसने हमें धोखा दिया, क्या वो लोग ये नहीं देख पा रहे कि मैं इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मेफिस्टो का काम है, हर एक चीज को खुला छोड़ दो, नाइट टेम्पल्स की पूरी पावर का यूज करो, खोंसु के हर एक सेवक ममीज मून प्रीस्ट और वेयरवॉल्फ गार्ड को आजाद कर दो, हम इस प्लांट को बंजर कर डालेंगे और फिर से शुरुआत करेंगे या फिर कुछ मिलियन सालों की शांति का मजा लेंगे। द ब्लैक पैंथर कह रहा है, ओ कोई मैं तचाला बात कर रहा हूँ, खोंसु ने अपने पिरामिड के डिफेंसेस को चालू कर दिया है, मदद करो। खोंसु ने कहा, मैं तुम्हारी स्पिद्दी सी पावर को तुम्हारी लाश से बाहर निकालूंगा। ब्लैक पैंथर कहता है, हर एक पावर ऐसी नहीं होती जिसे चुराया जा सके, मैं जनरेशन की आंखों से देखता हूँ और मेरे खून के अंदर 5000 राजा रानियों की स्पिरिट बह रही है, हालांकि फिर भी मैं एक इंसान ही हूँ, द मैन ऑफ वकांडा, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होगा। खोंसु कहता है, पावर ऑफ वेंजेंस और उसकी हेल चार्जर के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं वेंजेंस का ट्रू गॉड हूँ, मैं दिलों पे राज करता हूँ। खोंसु घोस्ट राइडर के गुस्से को यूज करने के लिए ही पैदा हुआ है और ये मून गवाह है कि मैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को अर्थ पे इस तरीके से छोड़ूंगा कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही खोंसु हेल चार्जर के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसका हाथ वहीं के वहीं जकड़ लिया गया, वो भी हेल चार्जर के द्वारा, क्योंकि रो भी वहां पहुंच चुका था। वो कहता है, अच्छा ये पावर ये तो काफी दर्द देती है ना, लेकिन तब उससे भी ज्यादा दर्द होगा जब मैं तुम्हारे अंदर से पावर छीन लूंगा, इसलिए मैं अपनी हेल चार्जर को वापस लेने आया हूँ। ब्लैक पैंथर ने कहा, हम सारी पावर्स वापस लेंगे, हर एक वो पावर जो तुमने चुराई है। रॉबेरेस मेरे साथ रहो। फिर त'चाला कहने लगता है, आयरन फिस्ट ऑफ कोनलोन अपने पुराने साथी की पुकार को सुनो, मिस्टिक आर्ट्स ऑफ सोर्सर सुप्रीम अपने पुराने साथी की पुकार को सुनो। तो गाइस वो सारे क्रोस ब्लैक पैंथर की तरफ बढ़ने लगते हैं जबकि खोंसु का हाथ अब भी कार के अंदर फंसा हुआ है। तभी रोबी अपनी पावर वापस हासिल करता है और उसने खोंसु के ऊपर एक पावरफुल अटैक किया। पिरामिड के बाहर कैप्टन अमेरिका खोंसु की सेना से पूछ रहा है, ब्लैक पैंथर कहाँ है, तुमने मेरे दोस्त को कहाँ कैद कर रखा है,
ब्लेड कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये ममीज और वेयरवुल्फ बात कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका ने कहा, उनके पास हाथ तो हैं, वो इशारा तो कर ही सकते हैं ना, कहाँ कैद कर रखा है। तब एक मम्मी इशारा करती है। कैप्टन अमेरिका ने कहा, त'चाला अवेंजर्स तुम्हें बचाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ब्लैक पैंथर खुद बाहर की तरफ आ रहा था। ब्लेड ने कहा, लगता है इसे अपने आप को ही बचा लिया। ब्लैक पैंथर कहता है, अच्छा है तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया हूँ। बाहर ममीज हल्के ऊपर चिपटी हुई है। ब्लैक पैंथर ने कहा, इनका गॉड हार चुका है, लेकिन जब तक मून नाइट रहेगी तब तक उसकी सेना लड़ती रहेगी वो चीज पाने के लिए जो इन्होंने खोई है। कैप्टन ने पूछा, और इन्होंने क्या खोया है? ब्लैक पैंथर इनको क्रॉस दिखाता है, ये खोए हैं। इनकी अच्छे से देखभाल करना एवेंजर्स, और इनका अच्छे से इस्तेमाल भी करना, जैसे कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज को करना चाहिए। तो गाइस, शी हल्क आयरन फिस्ट की पावर का यूज कर रही है, द आयरन हल्क के रूप में, और ब्लेड सोर्सर सुप्रीम की पावर का यूज करता है। मून नाइट सोच रहे हैं, सूरज झुक चुका है, अवेंजर्स असेंबल हो चुके हैं, मून गॉड हार चुका है, और आसमान के अंदर गड़गड़ाहट हो रही है। लेकिन मुझे अपने अंदर सिर्फ आग सुनाई दे रही है, वो महान कॉस्मिक आग जो मेरे अंदर फटती जा रही है। क्या हो अगर मैं इस आग को बाहर आने दूं? क्या हो अगर मैं यहाँ से इस पूरी अर्थ का विनाश कर दूं, इसे एक ग्रेट मून ऑफ फायर बना दूं? क्या हो अगर मैं इस इंसानियत जैसे कीड़े को मार डालूं और उनकी आग से एक नए युग की शुरुआत होगी? मैं उसका हीरो बनूंगा, मैं इस वर्ल्ड को बचाऊंगा इसी आग में झोंक कर। तो गाइस, मून नाइट ये सब सोच ही रहा है कि हैमर अपने ट्रू गॉड की तरफ चल पड़ता है। वो हर एक वार के साथ उन मोन्स को तोड़ रहा है जहाँ थंडर गॉड कैद है। जबकि मून नाइट ये सोचता है, मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक भट्टी में कन्वर्ट कर दूंगा, भगवान मेरी मदद करे, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैंने तबाही चुनी है। और तब मुझे अपने मन में रियलाइज हुआ कि मैं सच में पागल हो चुका हूँ। मुझे ये पावर चाहिए थी ताकि मैं अपने गॉड को हरा सकूं, लेकिन मैं फिनिक्स नहीं हूँ और ये डार्क मून नाइट का युग नहीं है। मेरे पास सिर्फ डार्कनेस की स्पेल है, इसलिए मैं सूरज को फिर से चालू कर रहा हूँ और अपने पुराने वाले पागलपन को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम है मार्क स्पेक्टर, मैं सफेद पहनता हूँ, इसलिए बुरे लोग मुझे आता हुआ देख लेंगे, और इसलिए मैं हमेशा अपने अंदर की सच्चाई को पहचान पाऊंगा, फिर चाहे वो रात कितनी ही काली क्यों ना हो। तभी उन मून्स को तोड़ता हुआ थंडर गॉड बाहर निकला। उसने कहा, नाइट्स ऑफ मून, तुमने ऑल फादर थोर के हैमर की डिसरिस्पेक्ट की है, और अब यही मून रॉक का हैमर तुम्हारे थोपड़े की डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो गाइस, पूरी अर्थ के ऊपर सूरज की रोशनी फैलने लगी। हेल चार्जर के ऊपर बंदावा खोन्सु कह रहा है, वो डेविल तुम सबको मार डालेगा, हर एक डेविल तुम में से हर एक का सामना करेगा, मैं फेल हो गया और मैं एक गॉड हूँ, तुम्हारी पूरी प्रजाति से भी पुराना हूँ, फिर तुम लोग उसे कैसे रोक लोगे? ब्लैक पैंथर कहता है, तुम फेल हो गए खोन्सु, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो गॉड्स को भी उनकी गलती की याद दिलाते हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अर्थ के नाम पे, अवेंजर्स तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उधर मून नाइट फिर से अर्थ पे गिर चुका है, वो सोच रहा है, लो हो गया, मैं अब फिर से एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक इंसान जिसका कोई गॉड नहीं है, लेकिन उसकी काफी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। मुझे अब भी वो सारे विजन्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ मेफिस्टो फ्यूचर के अंदर राज करता है। एज ऑफ कॉन्सूम उसे नहीं रोक पाई, शायद फिनिक्स उसे रोक ले। तो गाइस, फिनिक्स मून नाइट को छोड़कर अपने अगले होस्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ता है, द मून, एक्स मैन का समर हाउस। जीन ग्रे कहती है, क्या तुम्हें भी वो महसूस हुआ? अंदर से किसी ने कहा, हाँ, एक आग की तरह मेरी हड्डियों के अंदर। जीन ग्रे कहती है, वो यहाँ इस बार मेरे लिए नहीं आया है, वो किसी नई किसी अलग चीज को खोजने के लिए आ रहा है, उसका नाम बुलाया जाएगा। अंदर से उसी आदमी ने कहा, बिल्कुल जेनी, और फिर ये उन्हें खा जाएगा, उनको अंदर से फाड़ डालेगा जैसा कि हमेशा करता आया है, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। जीने ने कहा, मैं वहाँ नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे रोक पाओगे? तो गाइस, ये वुल्वरीन था। उसने कहा, तुम्हें कारण चाहिए? मेरे पास बहुत सारे कारण है, मेरे पास 6-6 कारण है। तो गाइस, एज ऑफ खोंसु तो खत्म हो गई, क्या इसके बाद एज ऑफ फिनिक्स शुरू होगी? ये आपको नवम्बर में ही पता चलेगा, क्योंकि इसका अगला एपिसोड नवम्बर के अंदर रिलीज होगा। फिर भी कुछ लोगों के समझ में बात नहीं आती, वो ये सोचते हैं कि मैं जानबूझकर नहीं डाल रहा। खैर, क्या ही कर सकते हैं, एम करते हैं 1500 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।